ऑल इंडिया बंजारा संदेश न्यूज जिसके संपादक सुभाष चौहान जी हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, जो भी वीडियो देखें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए जितने भी यूट्यूबर हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, हमारे कई यूट्यूबर हैं, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, ये हमारी जो पहचान कराने में सबसे अहम भूमिका जो होती है समाज के हित के लिए, ये इन यूट्यूबरों की होती है, इन न्यूजरों की होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। विलेज के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बंजारा समाज जाग नहीं रहा है। बहुत मैं आपसे फिर बार बार अपील कर रहा हूँ बंजारा समाज से कि अवश्य जागे। देखिए वो समय आ चुका है, कब तक हम ये झेलते रहेंगे। आज मैंने देखा कि एक बंजारा समाज के यही व्यक्ति को किसी ने उसके गांव में आके मारने की कोशिश की। क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा वजूद नहीं है, बंजारा समाज का वजूद नहीं है। अरे कम से कम वजूद तो बनाइए। एक तो आप तक क्या जाता क्या है ये बताइए। ये बंजारा समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर संगठित हो जाने के लिए हम बुलाते हैं, युवा कहीं बुलाते हैं, तो आपका क्या जा रहा है? आपको कुछ मिलेगा? आपकी समाज मिलेगा? आपके आने वाले जो जनरेशन है उसको कुछ मिलेगा? किसी का जाएगा नहीं। आप बोले, काफ़ी लोगों ने सुना है, अरे ये बंजारा समाज एक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो करने वाले होते हैं उनके आंसर तोड़ देते हैं, उनके अंदर वो जुनून ही नहीं है पहले वाला। मैं ये कहता हूँ कि बंजारा समाज एक दिन करके दिखा देगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर ये 5% लोग जो ये कहते हैं कि अरे बंजारा समाज एक होगा ही नहीं, ये लोग एक साइड हो जाए, 95% समाज आज भी जागरूक है, आज भी एकता के लिए तैयार है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारी देखिए, आप एक चीज़ देख लीजिए कि बंजारा समाज की वैल्यू किसी भी पार्टी में हिजड़े से भी ज़्यादा नहीं है। देखिए हिजड़े को, एक किन्नर को मंत्री पद दे दिया गया, जो कहता है कि हिजड़े, किन्नर ने कहा है कि हमारी जो केवल 5 लाख जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, 5 लाख जनसंख्या होने के बावजूद उसको उभरा दिया और हमारी 1 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है बंजारा समाज की, कुछ भी नहीं, गिनती नहीं है। क्योंकि आप संघर्ष नहीं करते, आप संगठन नहीं करते। अगर आप संगठन नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रहेंगे जैसे 75 सालों से रहते आए हैं। अब वो वक्त आ गया है। देखिए हर जाति संगठन कर रही है, वजूद बना रही है और पार्टी में अपना जज्बा दिखा रही है। आप सभी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी बंजारा समाज एक साथ आए, आप संगठन दिखाओ। हाँ ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी नेता, हमारे बंजारा समाज से एक नेता निकाल कर लाओ जो समाज पार्टी भी कहे कि हाँ ये बंजारा समाज का नेता है, इसको दर्जा देना चाहिए, और उसको दर्जा मिले तब कुछ विकास होगा बंजारा समाज का। वो अगर वो दर्जा मिलता है तो केवल संगठन से मिलेगा। संगठन लाना बहुत ज़रूरी है बंजारा समाज को। जब तक बंजारा समाज संगठन नहीं लाएगी, जब तक विकास नहीं होगा। मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ, मैंने 3-4 वीडियो कंटिन्यू में डाली हैं कि भाई आप संगठन में आइए, संगठन में आइए, लेकिन बंजारा समाज सोया हुआ है। कितना सोएगा? अरे अब तो जग जाओ, दुनिया जग गई, हर समाज जग गई, बंजारा समाज आज भी सोया हुआ होगा। नमस्कार, मैं नेमचंद सिंह नायक फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़कर कि जिसकी कोई भी युवा अगर वीडियो बनाता है और आपके ग्रुप में वीडियो आती है, आपके पर्सनल नंबर पर वीडियो आती है किसी भी युवा की, बंजारा समाज के उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, कोई भी भारत के अंदर जो युवा समाज के हित के लिए कार्य करना चाहता है और समाज के लिए मीडिया कर रहा है या वीडियो डाल रहा है, तो उस वीडियो को अवश्य सुने। देखिए 5 मिनट की वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है सुनना, हो सकता है उनके अंदर ये भी तो देखिए उनके अंदर कितनी विचारधाराएँ हैं समाज के हित के लेकर। तो आप वो वीडियो देखें और उसको कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि समाज के अंदर फैले, ये देखे कि हमारा युवा, कोई भी बंजारा समाज का युवा बंजारा समाज के लिए कार्य कर रहा है और बंजारा समाज को विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मैं नेमचंद सिंह आपसे अपील करता हूँ, हर वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए आज बड़े शर्म की बात है, मैंने एक वीडियो देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, एक किन्नर जो कि हिजड़ा बोल देते हैं किन्नर, एक सोनम नाम से हैं, उनको एक बीजेपी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया है, उपाध्यक्ष जो कि राज्य मंत्री के बराबर दर्जा होता है।
तो बड़े शर्म की बात है हमारे बंजारा समाज को, आज तक किसी भी पार्टी ने, आप कह रहे हो कभी सपा, कभी बसपा, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, बताओ किसने क्या दिया है? किसी ने आज तक किसी को बंजारा समाज को दिया है तो बताइए, किसी को पद दिया है तो बताइए? आज एक राजभर है, देखिए एक 20 लाख राजभर केवल उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, आज बराबर दर्जा दिया जा रहा है हर पार्टी में राजभर को। क्यों उनको क्यों दर्जा दिया जा रहा है, बंजारा समाज को क्यों दर्जा नहीं दिया जा रहा? क्योंकि बंजारा समाज संगठन में नहीं है, बंजारा सगा एकता में नहीं है, और अनेक जो भी है ये एकता के साथ चल रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं और संगठन भी कर रहे हैं, जिससे कि उनकी पहचान बनी हुई है कि ये भाई इतना है, लेकिन बंजारा समाज की कहीं भी पहचान नहीं है, किसी भी पार्टी के अंदर पहचान नहीं है। अगर ऐसे चलते रहे जैसे अब चल रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में कभी होगी भी, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके अंदर कमियाँ हैं, कभी आप एकत्रित होना चाहते ही नहीं है। कितने युवा है हमारे जो कह रहे हैं कि आप समाज सेवा सेवक बनकर कि आप आइए समाज में जुड़िए, समाज में जुड़िए। लगभग मेरी नज़र में भी 15-20 तो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो कंटिन्यू आप संघर्ष कर रहे हैं बंजारा समाज को आगे बढ़ाने का, बंजारा समाज को आगे ले जाने का, ताकि हमें भी वहाँ जहाँ पार्टी में कहीं भी सम्मान मिले, किसी भी पार्टी के अंदर सम्मान मिले, इसके लिए